हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में RMDIR कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि RMDIR कमांड का क्या यूज है. तो RMDIR कमांड स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी और फोल्डर. तो RMDIR कमांड का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी, और यूनिक्स या लाइनेक्स में डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते हैं. इसलिए RMDIR कमांड का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी या फिर रिमूव फोल्डर कमांड. तो दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज फ्रॉम द फाइल सिस्टम इन यूनिक्स और लाइनेक्स. यानी कि आपके लाइनेक्स या फिर यूनिक्स में अगर कोई डायरेक्टरी है, एम्प्टी डायरेक्टरी है, तो उस एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RMDIR कमांड को यूज करते हैं. तो द RMDIR कमांड रिमूव्स ईच एंड एवरी डायरेक्टरी स्पेसिफाइड इन द कमांड लाइन ओनली इफ दीज डायरेक्टरीज आर एम्प्टी. तो RMDIR कमांड जो है, आप ईच एंड एवरी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि वो डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए. तो जब आप RMDIR कमांड को एग्जीक्यूट करते हो, तो RMDIR कमांड के साथ एक डायरेक्टरी का नाम दो, या फिर दो डायरेक्टरी का, या फिर तीन डायरेक्टरी का, सभी डायरेक्टरी को एक साथ ये रिमूव कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि वो डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए. तो इफ यू वॉन्ट टू रिमूव ए डायरेक्टरी दैट इज नॉट एम्प्टी एंड ऑल्सो रिमूव एवरीथिंग इट कंटेन्स, यू कैन यूज द RM कमांड विद हाइफन आर रिकर्सिव. अब हम चाहते हैं कि भाई कोई डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट्स है, दैट मीन्स कि वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, बट हम उस डायरेक्टरी को भी रिमूव करना चाहते हैं. तो इसके लिए हमारे पास RM-R का ऑप्शन है. तो RM-R और जो डायरेक्टरी हमें रिमूव करनी है उस डायरेक्टरी का नाम देंगे, और वो डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, कुछ फाइल है या कोई डायरेक्टरी है उसके अंदर. तो RM-R कमांड क्या करेगा, उस डायरेक्टरी को रिमूव कर देगा. तो अब समझते हैं कि RMDIR कमांड को जो है यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है ओपन टर्मिनल से लॉगिन करेंगे. तो ओपन टर्मिनल से कैसे लॉगिन करेंगे वो अभी देखेंगे. तो ओपन टर्मिनल से लॉगिन करेंगे, और ओपन टर्मिनल से लॉगिन करने के बाद हम बाय डिफॉल्ट किसी न किसी डायरेक्टरी में आ जाते हैं. तो हम चेक करेंगे कि हम करंटली किस डायरेक्टरी में है. तो उस डायरेक्टरी को चेक करने के लिए हमारे पास यूनिक्स या लाइनेक्स में एक कमांड है, PWD कमांड. तो PWD कमांड का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ये बताएगा कि आप करंटली किस डायरेक्टरी में हो. इसके बाद फिर ls कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे. ls कमांड बताता है कि आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कौन सी फाइल्स है और कौन कौन सी डायरेक्टरीज है. तो वहां से हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस डायरेक्टरी को डिलीट करना है. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी को सेल्फ क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद ls कमांड से चेक करेंगे कि वो डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है. और उसके बाद जब वो बन जाएगी तो RMDIR कमांड से उसको रिमूव करेंगे. तो पहले डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे, तो MKDIR कमांड को टाइप करके एक डायरेक्टरी का नाम देंगे. तो यहाँ पे मैंने DIR1 दिया है, और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो एक DIR1 नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी. और इसके बाद फिर ls कमांड एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि DIR1 नाम की डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है. अगर बन गई है तो फिर हम इस डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे RMDIR कमांड से. तो वो कैसे करेंगे,
वो हम टाइप करेंगे RMDIR, और इसके बाद जो डायरेक्टरी अभी अभी बनाई थी उसका नाम देंगे DIR1। एंटर प्रेस करेंगे तो DIR1 नाम की डायरेक्टरी हमारी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टरी अभी खाली है, एम्प्टी है। और इसके बाद LS कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फाइल सिस्टम में दिखाएगा कि DIR1 जो आपने रिमूव की है डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी है या नहीं है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें जो है हम ओपन टर्मिनल से सबसे पहले लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे ओपन टर्मिनल से लॉगिन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, तो ये मैंने राइट क्लिक कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ओपन टर्मिनल, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब जो है हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने लॉगिन कर लिया है, और अब चेक करेंगे कि बाय डिफॉल्ट हम किस डायरेक्टरी में है। बट इससे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, और ऊपर से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ ले जा करके इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। ये मैंने थोड़ा सा और छोटा नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे PWD कमांड से कि हम करेंटली किस डायरेक्टरी में हैं। तो PWD एंटर, करेंटली हम अनिल नाम के डायरेक्टरी में है, होम अनिल ये पूरा पाथ है, इस अनिल नाम के डायरेक्टरी में है। अब चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन सी फाइल है, तो LS कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये सारी फाइल है। और अब क्या करेंगे, इसमें से भी हम जो ब्लू कलर का है वो सारी की सारी डायरेक्टरी है, तो इसमें से भी हम किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली टाइप करेंगे RMDIR स्पेस, और राज, राजेश, रवि ये सारी डायरेक्टरी है, तो स्पेस के साथ राज टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, तो राज नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। बट हम यहाँ पे सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और फिर उसको रिमूव करेंगे। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए MKDIR स्पेस, और फिर एक डायरेक्टरी का नाम देंगे DIR1, और एंटर प्रेस करेंगे, ये डायरेक्टरी बन गई है। अब चेक करेंगे कि ये डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है, तो LS कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे ब्लू कलर में DIR1 नाम की डायरेक्टरी हमारी बन गई है। अब इसको रिमूव करना है, अभी ये डायरेक्टरी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको रिमूव करना है। तो टाइप करेंगे RMDIR स्पेस DIR1 और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये डायरेक्टरी अब रिमूव हो गई है। LS कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे, ये चेक किया, अब यहाँ पे ब्लू कलर में DIR1 नाम की कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक डायरेक्टरी को क्रिएट करके उस डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करते हैं। आगे देखते हैं, आगे अब हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है फिर से, DIR1 फिर से क्रिएट करनी है, फिर LS कमांड से चेक करना है कि DIR1 नाम की डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है, बन जाएगी। फिर इसके बाद DIR1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, MKDIR, और इसके बाद DIR1 backslash sub DIR1, ये दूसरी डायरेक्टरी का नाम दिया है मैंने, इसको देख करके एंटर प्रेस करेंगे, तो DIR1 के अंदर एक और डायरेक्टरी बन जाएगी सब DIR1, और इस सब DIR के अंदर भी हमें, सब DIR1 के अंदर भी हमें एक सब सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी बनानी है। तो अगेन हम टाइप करेंगे MKDIR, फिर DIR1 बैक स्लैश सब DIR1 बैक स्लैश, और हमें एक डायरेक्टरी का नाम देना है सब सब DIR1।
वन और एंटर प्रेस करेंगे तो सब सब डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी सब डी आई आर वन में जा करके बन जाएगी। तो मेरा एक वीडियो लेक्चर है कि एम के डी आई आर कमांड से डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे तो मैं आर एम डी आई आर कमांड के बारे में बता रहा हूँ, बट यहाँ पे डायरेक्टरी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसको क्रिएट करके फिर उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे तीन डायरेक्टरी बन गई है, डी आई आर वन, डी आई आर वन के अंदर सब डी आई आर वन, और सब डी आई आर वन के अंदर सब सब डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी बन गई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है, और अभी जैसा कि मैंने बताया है कि जब तक डायरेक्टरी एम्प्टी ना हो वो डायरेक्टरी रिमूव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं डी आई आर वन को रिमूव करना चाहूँ तो ये रिमूव नहीं होगी। तो आर एम डी आई आर स्पेस डी आई आर वन करके अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये बताएगा कि डी आई आर वन जो है ये एम्प्टी नहीं है, पहले इसको एम्प्टी करो तभी ये रिमूव हो पाएगी। और इसके बाद अगर मैं सब डी आई आर वन को रिमूव करना चाहूं तो भी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि सब डी आई आर वन डायरेक्टरी के अंदर भी सब सब डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी है। अगर मैं टाइप करता हूँ आर एम डी आई आर स्पेस डी आई आर वन बैक स्लैश सब डी आई आर वन और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्टरी भी सब डी आई आर वन ये डायरेक्टरी भी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि सब डी आई आर वन के अंदर भी सब सब डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी है। अब जो है मैं सब सब डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी को अगर मैं रिमूव करता हूं तो ये रिमूव हो जाएगी, क्योंकि सब सब डी आई आर वन डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टाइप करेंगे आर एम डी आई आर स्पेस डी आई आर वन बैक स्लैश सब डी आई आर वन फिर बैक स्लैश सब सब डी आई आर वन, और ये जो लास्ट में सब सब डी आई आर वन है इसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है तो ये डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास बचेगी डी आई आर वन बैक स्लैश सब डी आई आर वन। अब जो है अगेन मैं डायरेक्टरी वन डी आई आर वन को रिमूव करूंगा तो अब भी ये रिमूव नहीं होगी, क्योंकि डी आई आर वन के अंदर सब डी आई आर वन है। अगर मैं टाइप करता हूं आर एम डी आई आर स्पेस डी आई आर वन तो ये भी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर सब डी आई आर वन है। अब जो है मुझे क्या करना है, सब डी आई आर वन को मुझे डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो मैं टाइप करूंगा आर एम डी आई आर वन बैक स्लैश सब डी आई आर वन और एंटर प्रेस करूंगा तो सब डी आई आर वन के अंदर सब सब डी आई आर ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है, तो सब डी आई आर वन के अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है इसलिए सब डी आई आर वन जो है ये रिमूव हो जाएगी। और इसके बाद डी आई आर वन के अंदर अब कुछ भी नहीं है, तो अब हम आर एम डी आई आर स्पेस डी आई आर वन करेंगे, क्योंकि डी आई आर वन के अंदर जो सब डी आई आर वन थी वो तो रिमूव हो गई है, तो डी आई आर वन जो है ये एम्प्टी है। अब आर एम डी आई आर कमांड के साथ डी आई आर वन को रख करके एंटर प्रेस करेंगे तो डी आई आर वन जो है ये रिमूव हो जाएगी, और एल एस कमांड से जब हम चेक करेंगे तो डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी हमें नहीं मिलेगी। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे एम के डी आई आर वन और एंटर प्रेस करेंगे तो डी आई आर वन नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। एल एस कमांड से इसको चेक कर लेते हैं, ये ब्लू कलर में डी आई आर वन है, ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है।
अब इस dir1 के अंदर हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो mkdir स्पेस dir1 backslash, और इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है सब dir1। ये मैंने डायरेक्टरी का नाम दिया है, आप यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो, और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो dir1 के अंदर सब dir1 नाम की डायरेक्टरी बन गई है। अब हम सब dir1 के अंदर एक डायरेक्टरी बनाएंगे, तो mkdir dir1 backslash सब dir1, और इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाएंगे सब सब dir1, और एंटर प्रेस करेंगे तो सब सब dir1 जो है सब dir1 में जा करके एक डायरेक्टरी बन गई है। इस तरीके से तीन डायरेक्टरी बन गई है। अब तीन डायरेक्टरी बन गई है, तो अब जो है मैं dir1 डायरेक्टरी वन को अब मैं रिमूव करता हूं, तो ये रिमूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि dir1 के अंदर दो डायरेक्टरी ऑलरेडी है, सब dir1 और सब dir1 के अंदर सब सब dir1। तो इसको रिमूव करके देखते हैं, तो rmdir और dir1। अब इसको रिमूव करेंगे तो ये बताएगा कि dir1 जो है ये एम्प्टी नहीं है, तो डायरेक्टरी नोट एम्प्टी। अब इसके बाद अगर मैं dir1 के अंदर सब dir1 को रिमूव करूं तो ये भी रिमूव नहीं होगी। rmdir dir1 backslash सब dir1, ये भी रिमूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब dir1 के अंदर भी एक डायरेक्टरी है। अब जो है rmdir और dir1 backslash सब dir1 backslash सब सब dir1। अब सब सब dir1 के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं है, ये डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। एंटर करेंगे तो अब ये मैसेज नहीं देगा कि डायरेक्टरी नोट एम्प्टी, सीधे सब सब dir1 रिमूव हो जाएगी। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये रिमूव हो गई है। अब मैं अगेन dir1 जो डायरेक्टरी है उसको रिमूव करूंगा तो ये रिमूव नहीं होगी। rmdir और dir1 इसको रिमूव करूंगा तो ये रिमूव नहीं होगी, क्योंकि dir1 के अंदर अभी भी सब dir1 है। एंटर करेंगे तो डायरेक्टरी नोट एम्प्टी। अब यहां से रिमूव करेंगे rmdir dir1 backslash सब dir1, अब जो है ये रिमूव हो जाएगी, क्योंकि सब dir1 के अंदर जो सब सब dir1 थी वो डिलीट हो चुकी है, तो ये डिलीट हो जाएगी, यानी कि सब dir1 जो है यहाँ पर एम्प्टी है, तो ये रिमूव हो गई है। अब मैं rmdir1 सॉरी rmdir और dir1 को अब मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी, क्योंकि dir1 के अंदर जो सब dir1 थी वो डिलीट हो चुकी है, तो ये डिलीट हो गई। अब मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो dir1 नाम की डायरेक्टरी हमें नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे dir1 नाम की यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। इसको क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था कि डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी है, यानी कि एक डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, तो उस डायरेक्टरी को हमें कैसे रिमूव करना है। अब आगे देखते हैं, आगे जो है अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे अगेन mkdir स्पेस dir1 से एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, और फिर जो है ls कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि dir1 नाम की डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है, तो वो बन जाएगी। फिर इसके अंदर dir1 के अंदर सब dir1 एक और डायरेक्टरी बनाएंगे, और फिर mkdir कमांड को यूज करके सब dir1 के अंदर सब सब dir1
अगेन डायरेक्टरी बनाएंगे। तो इस तरीके से फिर से एक डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी एक साथ बन जाएगी। और इसके बाद अब हमें एक साथ डायरेक्टरी वन के अंदर सब डायरेक्टरी वन है और सब डायरेक्टरी वन के अंदर सब सब डायरेक्टरी वन है। अब इसको एक साथ हमें रिमूव करना है, यानी कि डायरेक्टरी वन जो है वो अभी एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर सब डायरेक्टरी वन है, सब डायरेक्टरी सब सब डायरेक्टरी वन है, यानी कि डी आई आर वन के अंदर सब डी आई आर वन और सब सब डी आई आर वन, ये दो डायरेक्टरी है, इसलिए डी आई आर वन एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी नहीं है उस केस में अगर हमें डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है आरएम कमांड को टाइप करके। आरएम डी आई आर नहीं करेंगे, आरएम स्पेस हाइफन आर और डी आई आर वन, ये जो डायरेक्टरी है ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर सब डी आई आर वन है और सब डी आई आर वन के अंदर सब सब डी आई आर वन है, यानी कि डी आई आर वन जो है ये एम्प्टी नहीं है। तो आरएम स्पेस हाइफन आर और डी आई आर वन रख करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे, तो ये एक बार में ही पूरी की पूरी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। और इसके साथ इस डी आई आर वन के अंदर जितने भी कंटेंट्स थे, सब डी आई आर वन सब सब डी आई आर वन जितने भी कंटेंट्स थे, ये भी इसके साथ रिमूव हो जाएंगे। और इसके बाद एलएस कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि रिमूव हुई है या नहीं हुई है। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक डायरेक्टरी बनाएंगे एम के डी आई आर वन एंटर। तो ये डायरेक्टरी बन गई है, एलएस कमांड से चेक करेंगे तो डी आई आर वन ब्लू कलर में जो है डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी बन गई है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाएंगे एम के डी आई आर वन बैक स्लैश सब डी आई आर वन एंटर। और फिर इस डायरेक्टरी, इस सब डी आई आर वन के अंदर भी एक डायरेक्टरी बनाएंगे एम के डी आई आर वन बैक स्लैश सब डी आई आर वन बैक स्लैश सब सब डी आई आर वन। और ये मैंने जो है डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी के अंदर सब डी आई आर वन और सब डी आई आर वन के अंदर सब सब डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी ये मैंने बना दी, ये मैं एंटर प्रेस कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो अब जो है डी आई आर वन जो डायरेक्टरी है ये अभी एम्प्टी नहीं है। अगर डी आई आर वन को रिमूव करना है तो इसके लिए हमें इसके लास्ट वाले फोल्डर को, लास्ट वाले डायरेक्टरी को रिमूव करना पड़ेगा। सब सब डी आई आर वन को रिमूव करेंगे, फिर सब डी आई आर वन को रिमूव करेंगे और उसके बाद डी आई आर वन को रिमूव करेंगे, तभी ये रिमूव होगा आर एम डी आई आर कमांड से। बट अब जो है अगर डी आई आर वन को हमें रिमूव करना है जिसके अंदर ऑलरेडी सब डी आई आर वन और सब सब डी आई आर वन है, तो इसके लिए हमारे पास कमांड है आर एम हाइफन स्पेस करके हाइफन आर और इसके बाद डी आई आर वन करके एंटर प्रेस करेंगे, तो डी आई आर वन नाम की डायरेक्टरी एक साथ उड़ जाएगी, एक साथ रिमूव हो जाएगी। एंटर कर दिया मैंने। अब एल एस कमांड को यहाँ पे चला करके चेक करेंगे तो डी आई आर वन नाम की जो है डायरेक्टरी हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे डी आई आर वन नाम की हमारे पास कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। क्लियर कर लेते हैं इसको, क्लियर कमांड से ही क्लियर कर दिया मैंने। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।